हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी। आपने कुछ कहावतें हैं जो कि आपने ज़रूर सुनी होंगी अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज मैं बॉलीवुड की एक ऐसी बिल्ली मतलब हस्ती की पोल खोलूँगी जो कि हस्ती कम हंसी बन करके रह गई है, और वो हस्ती जहाँ जहाँ चलती है कंट्रोवर्सी, मीडिया और दुख दर्द का ड्रामा लिए, और बिचारी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई अबला नारी लंबे लंबे आंसू निकालती हुई आपको सोशल मीडिया में ज़रूर मिल जाएगी। वो है शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा पहले भी बिग बॉस में आई थी और अब भी जो बिग बॉस 16 है, सुना है कि वो अंदर जाना चाहती है, शायद वो जाएगी, और साथ में ही वहाँ पे जो टेस्टेंट है उसकी धज्जियां उड़ाना चाहती है टीवी के सामने। तो आप लोगों ने साजिद खान और शर्लिन चोपड़ा की जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में या तो आपने पढ़ा होगा ज़रूर, या फिर अपने सोशल मीडिया में ज़रूर देखा होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि जो शर्लिन चोपड़ा है इतना शोर क्यों मचा रही है आजकल। तो शर्लिन चोपड़ा ने काफ़ी लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि उन लोगों ने उसको घर, ऑफिस या स्टूडियो में बुलाया और धोखे से उससे गलत काम करवाया, और जिसका वो नाम लेती हैं वो है राजगोपाल वर्मा, राज कुंद्रा और साजिद खान। तो इस छोटी सी बच्ची के साथ सब लोगों ने धोखे से ही काम करवाया, बेचारी को कुछ नहीं पता था। इसका मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख है। तो मैं बताती हूँ आपको शुरू से ये क्या मामला है। तो जब शर्लिन 16 साल की थी तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज थी, अकड़ू थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे। कोई उसकी बातों को मानता नहीं था तो वो एक धमकी देती थी कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, और छोटी एज में ही वो गलत काम करना उसने शुरू कर दिया। जब उसके पेरेंट्स उसको मना करते थे गलत काम करने से तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ती थी लोगों के साथ, और एक दिन तो उसने अपना सारा सामान पैक किया, उसके बाद वो घर से चली गई घर। और जब उससे पूछा गया कि तुमने घर क्यों छोड़ा तो उस सारा इल्ज़ाम अपने पेरेंट्स के ऊपर लगाया। उसने बोला कि उसके पेरेंट्स हर्ष में झगड़ते रहते थे जिसकी वजह से उसको बहुत मुश्किल होती थी, उसको बहुत ज़्यादा ही डर लगता था, इस वजह से उसने घर छोड़ दिया। और उसके बाद वो एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी, पैसों के चक्कर में कुछ भी काम कर लेती थी। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में शर्लिन ने ये भी बोला कि जब उसने घर छोड़ा था तो उसके पास पैसों की कमी थी और उसको ट्यूशन फीस के भी पैसे नहीं थे उसके पास, तो इस वजह से पैसे बहुत इजीली उसको मिल जाते थे, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता था। और इसके बाद शर्लिन को कामसूत्र की एड मिली और बाद में उसने प्लेबॉय मैगजीन के साथ काम करना शुरू कर दिया, और साथ में ही उस पॉन्ड मूवी में भी काम करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में तो शर्लिन की माँ ने शर्लिन की पूरी पोल खोल के रख दी। पहले शर्लिन जब यंग थी तो उसके पास बहुत ज़्यादा काम था और वो हर तरीके का काम करती थी, लेकिन अब उसके पास कुछ काम नहीं है। तो अब उसकी एज 40 साल की हो गई है, तो वो वापस बॉलीवुड में आ गई है, और साथ में ही वो जगह जगह मूवीज़ या कुछ भी छोटा मोटा काम ढूंढ रही है, लेकिन उसको कुछ काम ऐसा मिल भी नहीं रहा है। ये बहुत अच्छा है शर्लिन जैसी लड़कियों के साथ, जब तक उनको जो वो चाहती हैं मिलता रहे तो वो खुश रहती हैं। अगर उनको कोई मना कर देता है या चीज़ें मिलती नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और साथ में ही झूठे इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर देती हैं। ये भी कहा जाता है कि राज कुंद्रा ने शर्लिन को काम दिया, और लेकिन जब राज कुंद्रा ने शर्लिन की टर्म्स एंड कंडीशन को मानने से मना कर दिया तो उसको गुस्सा आ गया और उसने राज कुंद्रा के ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगा दिया। एक बार साजिद खान ने शर्लिन चोपड़ा को एक मूवी ऑफर की और उसके बाद वो बहुत खुश थी, और वो जगह जगह साजिद खान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, उसका गुणगान कर रही थी, लेकिन किसी वजह से जब मूवी कैंसिल हो गई तो उसकी उम्मीदों में पानी फिर गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और जगह जगह इंटरव्यू देती फिर रही है कि साजिद ने उसके साथ बदतमीजी की। जो भी साजिद के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं शर्लिन ने, ये पहली बार तो है ही नहीं। शर्लिन ने बहुत से डायरेक्टर्स के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम पहले भी लगाए थे। अब एक साल के बाद वो जगह जगह लोगों को इंटरव्यू दे रही है, रो रही है कि साजिद ने उसके साथ बुरा किया है।
तो मुझे तो उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। ये एक नंबर की झूठी है। जहाँ जहाँ किसी भी लड़की के साथ प्रॉब्लम आती है तो वो भी उस प्रॉब्लम के अंदर घुस जाती है और फिर कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ भी मुझे छेड़ा था, मुझे बुलाया था। और लोगों को तो ये भी कहना है कि जो साजिद खान है उनको अपनी इज्जत का खतरा था शर्लिन से, इसलिए वो शर्लिन से दूर दूर भागते थे। शर्लिन के पास बिल्कुल भी कुछ काम नहीं है, वो बस पब्लिसिटी के लिए अपनी खरीदी हुई मीडिया को ले लेके जगह जगह घूमती रहती है और बेचारी रोती रहती है। मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई है। और जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि अपना आप लोग ध्यान रखें गाइस, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं होती, वो आपके आसपास हो सकती हैं, आपके ऑफिस में हो सकती हैं। जब तक आप ऐसी लड़कियों को खुश रखोगे तब तक तो वो बिल्कुल खुश रहेंगी। अगर आप ना बोल दिया तो वो आप लोगों का जो लाइफ है उसको नर्क बना देंगी। आप लोग अपना ध्यान रखें। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।